नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, सीटीटी जुलाई 2023 के आवेदन शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले आपको बता दें, इसमें जो पिछली बार था वो इस बार भी है, यानी कि जो एग्जाम सेंटर है वो लिमिटेड है। इसके आवेदन जो है 27 अप्रैल से लेकर 26 मई तक चलेंगे। फीस वही है पिछली बार जैसी, 1000 रुपये पेपर वन की है, SC ST की 500 रुपये, अगर आप बोर्ड डालेंगे प्राइमरी और जूनियर तो यहाँ पे 1200 रुपये और 600 रुपये। सेंटर में देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, यानी अगर आपको अपना मनपसंद परीक्षा केंद्र चाहिए तो आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है, जल्द से जल्द जो है आवेदन कर देना है। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सब शीघ्र से शीघ्र उपलब्ध होगा। तो यहाँ सारी जानकारी जो है सब कुछ जो है दी हुई है और सेंटर का भी जो है लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों, सीधा चलते हैं आवेदन करने पे। आपको बता दें, इसके आवेदन करने का लिंक आपको सरकारीresult.com और rozgarresult.com पर मिल जाएगा। हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक उपलब्ध है, जहां से आप इसको अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो जैसे हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, जैसे कि आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है। पुराना रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगा, आपको सभी कैंडिडेट को नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक बार आप रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका पासवर्ड मैच नहीं होता तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने वाले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर कर सकते हैं, दोबारा आपको जो है रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स आ जाएगा, उसको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, नेक्स्ट आपको अपने पिता का नाम डालना है, नेक्स्ट अपनी मदर का नेम यानी माता का नाम डालना है, अपनी जन्म तिथि यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है, आपको जेंडर डालना है, आपको अपना आईडी प्रूफ डालना है। आईडी प्रूफ में आप जो है वोटर आईडी है, पासबुक है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, या एनी अदर में कुछ और, अगर आप आधार कार्ड वगैरह देना चाहें तो एनी अदर में दे सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पे अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल देता हूँ, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड मेरे पास है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, यानी कि जो आपका एड्रेस है, मकान नंबर वगैरह वो आपको डाल देना है, लोकलिटी डाल देनी है, कंट्री जहाँ पे आपका एड्रेस है उसका जो कंट्री है वो डाल देना है, स्टेट डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो डाल देनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डाल देना है, ईमेल आईडी डालना है, दोबारा ईमेल आईडी कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर डालना है, दोबारा मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, दोनों एड्रेस सेम है तो सिंपल यहाँ पे टिक कर देना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड जो है 8 से 13 करेक्टर के बीच होना चाहिए, जिसमें एक अपर करेक्टर, एक लोअर करेक्टर, एक न्यूमेरिक करेक्टर और एक स्पेशल करेक्टर, इसमें से कुछ होना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट एक पासवर्ड बना लेते हैं। यहाँ पे पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया हुआ है, यानी कि फॉरगेट सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन है, कि अगर आप भूल जाए तो अपना जो है पासवर्ड जो है इस सिक्योरिटी क्वेश्चन को डाल के जो है आप रिकवर कर सकते हैं। सब कुछ डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू जो है खुल के आ जाएगा, इसको आपको चेक करना है। चेक करते हुए आपको नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे कुछ चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट को आपको जो है फॉलो करना है, मतलब कि सब कुछ आपको टिक करना है। फिर यहाँ आई एग्री का बटन है, इस पर भी क्लिक करना है। अगर इसके बाद भी अगर आपका कुछ गलत है तो यहाँ पे एडिट करके सही कर सकते हैं, सब कुछ सही है तो सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे सब कुछ टिक कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि चीजें आपने जो है क्रॉस चेक कर ली है। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करते हैं, सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। जैसे आप सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जो है प्राप्त होगा। अगर OTP काफी देर तक नहीं आता है तो आप जो है उसको रीसेंड भी कर सकते हैं, रीसेंड का ऑप्शन बगल में दिया हुआ है। मेरा दोस्तों, मेरा OTP आ चुका है, मैं OTP डालता हूँ, सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है और फीस डिटेल भी आपकी इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे जो है जो ईमेल आईडी है ये भी अभी आपकी वेरीफाई नहीं हुई, क्योंकि अभी हमने केवल मोबाइल नंबर वेरीफाई किया, क्योंकि जब तक आप ईमेल को वेरीफाई नहीं करेंगे आपका जो पेमेंट का ऑप्शन है वो नहीं खुलेगा। आपकी ईमेल को वेरीफाई चाहे तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट फॉर्म करने से पहले भर सकते हैं, और चाहे तो बाद में भी आप ईमेल को जो वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर लिमिटेड है इसे हम फॉर्म भरने में बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे। मनपसंद सेंटर से ही तो हम यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। जैसे आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन में दी पहले से जानकारी जो है वो आ जाएगी। इसके अलावा आपको अपना वो डालना है, नेशनलिटी डालनी है, कैटेगरी अगर आपकी जनरल OBC SC ST जो भी कैटेगरी है वो डालनी है, कोई PH वगैरह तो नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट स्टेटस तो नहीं है, अगर आप कुछ है ऐसा तो उसकी जानकारी आपको देनी है, नहीं है तो सिंपली आप उसको छोड़ सकते हैं। सब कुछ करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना और आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे पूछा आप पेपर वन के लिए डाल रहे हैं, पेपर टू के लिए डाल रहे हैं, तो हम दोनों के लिए डाल रहे हैं। आपको पूछा है लैंग्वेज क्या चाहिए, तो लैंग्वेज हमने पहले हिंदी ले ली है, दूसरी हमने जो इंग्लिश ले ली है, आपकी इच्छा है आप लैंग्वेज कैसे जो है लेना चाहते हैं। यहाँ पे जो है देख सकते हैं ढेर सारे जो है आपके जो सब्जेक्ट कोड दिए हुए हैं, क्या आपका कोड है वो आपको डालना है। जैसे कि बता दो, BEd है आपका जो 50% के साथ है तो 5 नंबर आप डाल सकते हैं, PG है 55% के साथ में BEd या MEd इंटीग्रेटेड है तो 6 नंबर आप डाल सकते हैं, सिंपल आपका सीनियर सेकेंडरी है 2 साल के 2 साल का वो है, BTC है डिप्लोमा इन
डीएलएड तो आप एक नंबर डाल सकते हो, तो अलग अलग कोड है यहाँ पे, इसकी जानकारी आपको sarkaisal.com पर मिल जाएगी। जैसे कि मैंने जो बीएड का रखा, तो मैं यहाँ पे 5 नंबर जो है डालता हूँ। इसके बाद जो है आ गया था पेपर 6 वाला, तो उसमें भी जो है बीएड का ऑप्शन जो दिया हुआ है वो लास्ट में दिया हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है एनी कैंडिडेट क्वालिफाइंग परसूइंग बीएड, तो यहाँ पे 7 नंबर भी डाल सकते हैं। हम एक बार और पढ़ लेते हैं, अगर आप और कोई है तो उसको भी आप डाल सकते हैं। देखिए बीएड स्पेशल है तो 6 नंबर डाल सकते हैं, और यहाँ पे अगर आपका 45% वाला है तो आप एनसीटी की जो नॉर्म्स उसके अनुसार डाल सकते हैं। और ये भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बीएड, अगर आपका 50% ग्रेजुएशन है और पीजी, और या तो पीजी है तो उसके साथ साथ आपका परसुइंग अपीयरिंग इन फाइनल ईयर बीएड है, तो आप इसमें 2 नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे अपीयरिंग है तो भी आप जो इसमें 2 नंबर बीएड डाल सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, मैं इसमें जो नंबर डालता हूँ अपना 7 नंबर वाला, और 2 नंबर भी मैं डाल सकता हूँ, बिल्कुल मैं 2 नंबर भी डाल सकता हूँ, उसमें 2 नंबर ही यहाँ पे सेट करता हूँ। इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा अपनी योग्यता के अनुसार, उसके बाद ही जो इसको भरिएगा। यहाँ पे पूछा आपका मैथ साइंस है कि साइंस सोशल साइंस है, तो जो भी है आपका उसको यहाँ पे टिक कर देना है। यहाँ पे आपका डिग्री है कि डिप्लोमा, आपने बीएड किया होगा तो डिग्री होगी, बीटीसी या डीएलएड किया होगा या कुछ और किया होगा तो आपका डिप्लोमा होगा। तो मैंने यहाँ पे बीएड किया, तो यहाँ पे बीएड पे क्लिक कर देता हूँ, जो कैप्चा आ रहा है उस कैप्चा को एज इट इज डाल देता हूँ और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। एक और बात आपको बता देता हूँ, जैसे आप सोच रहे हैं कि पेपर 1 में अभी डाल देता हूँ, पेपर 2 में बाद में डाल दूंगा, ऐसा नहीं होगा, आपको एक साथ डालना है। या तो आप जो इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन बाद में ऐसा नहीं होगा कि आप पेपर 2 को एड ऑन कर सके। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपने जो डिग्री डाली है, डिग्री का आपको डिटेल देना है, पास आउट है क्या, अपीयरिंग है, पास किया है तो आपने जो कब जो है पास आउट किया है, आपका जो कोर्स था वो बीएड आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे पूछा आपने किस यूनिवर्सिटी से जो है पास किया, जो बीएड की डिग्री है वो किस यूनिवर्सिटी से पास किया। तो दोस्तों अक्सर होता है कि यहाँ पे जो डिग्री होती है वो आपको नहीं मिलती है, तो अगर आपको भी नहीं मिलती है तो आप यहाँ पे अदर का भी ऑप्शन है, उस पर आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, मुझे यहाँ मिल गई है, अगर आपको नहीं मिलता है आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम, तो आप जो है अदर पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे पूछा रिजल्ट आपका परसेंटेज में था, सीजीपीए में था, और साथ ही साथ पूछा आपका कितने नंबर का था बीएड का जो पेपर था, कितना नंबर आपको मिला है, परसेंटेज आ जाएगा, इंस्टीट्यूट का जो आपका पिन कोड होगा वो मिल जाएगा। इंस्टीट्यूट का पिन कोड नहीं है तो आप गूगल की मदद से भी अपने इंस्टीट्यूट का नाम और आगे उसका पिन कोड लिख देंगे, तो आपको जो पिन कोड है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको फोटो लगानी है, बता दीजिए फोटो का साइज है वो 10 से 200 KB के बीच होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज 4 से 30 KB के बीच होना चाहिए, फाइल फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए। अगर आपको फोटो साइजिंग करने में दिक्कत आए तो आप ऑनलाइन इसको रिसाइज कर सकते हैं। आपको खोलना है हमारी वेबसाइट सरकारी रिजल्ट टूल्स, इस वेबसाइट में आपको इमेज रिसाइजर का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको जाना है, इमेज को अपलोड करना है, इमेज का साइज दिख जाएगा, उसको कम और ज्यादा करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट की मदद से आप रिज्यूम और शादी का बायोडाटा भी बना सकते हैं, मैरिटल बायोडाटा, रिज्यूम और सीवी, नौकरी के लिए बायोडाटा बना सकते हैं, टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जेपीजी से पीडीएफ बना सकते हैं, एज कैलकुलेट कर सकते हैं, और तमाम तरीके के टूल्स है और नए नए टूल्स इस पे आते रहते हैं। चलिए वापस चलते हैं अपने फॉर्म पर। जैसे आप फोटो को अपलोड करेंगे तो फोटो देख सकते हैं इस तरीके का आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, आपका आसानी से फोटो अपलोड हो जाएगी। इसी तरह सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर भी अपलोड करने में यहाँ पे इसको सेट करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, यहाँ पे अपलोड ओरिजिनल कर दीजिएगा, फिर जो अपलोड कर दीजिएगा सीधा जो है फोटो सिग्नेचर आपका अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा दिखाई देगा, उस कैप्चा को आपको एज इट इज डाल देना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम आगे बढ़े तो हम आ चुके अपने उस ऑप्शन पे, जिस ऑप्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि इस बार सेंटर जो है लिमिटेड है, तो जैसे मुझे उत्तर प्रदेश में सेंटर चाहिए तो उत्तर प्रदेश करेंगे, उसके बाद जो भी आपको एग्जाम सेंटर चाहिए, जैसे मुझे आगरा चाहिए तो आगरा करेंगे, तो जैसे आप आगरा करेंगे तो वहाँ पे आगरा का स्टेटस दे देगा कि जो है आगरा में टोटल कितने सेंटर हो सकते हैं, कितने जो है ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, कितने जो है खाली। अगर आपको इसी तरह मान लीजिए इलाहाबाद चाहिए, इलाहाबाद में भी देखिएगा कि यानी 1014 दे रहा है, इसमें 1014 आवेदन भर चुके हैं। तो अगर आपको मैं बात करूँ लखनऊ की, तो लखनऊ में भी आप देख सकते हैं सेंटर की कैपेसिटी कितनी है और कितने जो है भर चुके हैं। तो अगर आपको अपने मनपसंद सेंटर चाहिए तो आपको वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी तरह अगर आपको बिहार में मान लीजिए कोई सेंटर चाहिए, जैसे पटना चाहिए, पटना पिछले बहुत तेज भर गया था, देख सकते हैं 1,44,000 कैपेसिटी, 2,700 जो है भर चुके जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब। तो दोस्तों इसलिए अगर आपको मनपसंद सेंटर चाहिए तो जल्द से जल्द इसका आवेदन करें। तो चलिए दोस्तों, उसको हम अपना जो है सेंटर सेलेक्ट करते हैं और जो है आगे बढ़ते हैं, सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने सेवन नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं पूरा फॉर्म यहाँ पे खुल के आ चुका है। इसको अच्छी तरीके से चेक करना है, चेक करते हुए आपको बिल्कुल नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे कुछ चेकलिस्ट है, जैसे कि आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था उसमें भी आपको चेकलिस्ट दिखी थी, यहाँ पे भी कुछ चेकलिस्ट है, इस पे आपको सब पे जो है टिक करना है। जैसे आपको अपना नाम है, सारी चीजें क्रॉस चेक करनी है, क्रॉस चेक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। जैसे आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे फाइनल सबमिट का बटन विजिबल हो जाएगा। तो चलिए फाइनल सबमिट करते हैं।
जैसे हमने फाइनल सबमिट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है पेमेंट अभी इनकम्प्लीट दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है कि सेंटर जो है लिमिटेड है, इसलिए जो है आपको जो है जल्द से जल्द इसका पेमेंट कीजिए, क्योंकि जब तक पेमेंट नहीं करेंगे आप तब तक जो है लॉक आपका नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी ईमेल को वेरीफाई करते हैं। ईमेल वेरीफाई के लिए आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालना पड़ेगा, उसके जैसे आपके मोबाइल पे ईमेल पे आपका ओटीपी आ जाए, ओटीपी यहाँ पे डालना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं ईमेल को वेरीफाई होने के बाद हमारा पेमेंट का ऑप्शन जो है खुल चुका है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आप इसका पेमेंट जो है किन किन माध्यम से कर सकते हो। पेमेंट करने से पहले पहले एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का भी ऑप्शन खुला हुआ है, आपको कोई भी ध्यान आता है कुछ आपसे फॉर्म भरते वक्त गलत होगा तो आप उसको एडिट करके सुधार कर सकते हो। तो चलिए पे एग्जामिनेशन फीस पे क्लिक करते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा जिसमें लिखा हुआ है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, इस पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट करके आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बता दें इसका जो पेमेंट है आप जो है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं और क्यूआर कोड का भी ऑप्शन इस बार उपलब्ध है, यानी कि डिजिटल पेमेंट गूगल पे फोन पे और पेटीएम के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करेंगे उसका रिडायरेक्ट होगा और आपका जो प्रिंट आउट है वो जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आपको डाउनलोड कंफर्मेशन पेज करना है और उसके बाद जो है उस प्रिंट आउट को सेव करके रख लेना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नई नई फॉर्म की जानकारी के लिए सरकारी रिजल्ट.com और रोजगार रिजल्ट.com पर लगातार विजिट करते रहे। धन्यवाद, नमस्कार।